स्वागत है आपका AUBSP के YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं CPT रिजल्ट का। जी हाँ, अभी लास्ट टर्म जून 2019 में लास्ट एग्ज़ाम हुआ था CPT का, जिसका रिजल्ट जो है आने वाला है 18 जुलाई को, राइट 2019। आज से यानी 15 जुलाई से आप icie.exam.ici.org पे विजिट करके अपना ईमेल को रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो आपके ईमेल में आपका रिजल्ट मिल जाए। और जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन तो आप SMS के थ्रू भी अपना रिजल्ट जो है देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा CA CPT, उसके बाद स्पेस देके अपना रोल नंबर है 6 डिजिट का, वो डालना पड़ेगा और भेज देना पड़ेगा 5888 पे। इतना तो अपने को पता है। आज हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं फर्स्ट टर्म, जो कि 2006 से जब इंट्रोड्यूस हुआ था आपका CPT, वहां से लेके 2019 तक, यानी यूं तो देखें कि 14 ईयर्स तक ये चला है आपका CPT का जो एग्जाम है, बट ये नवंबर 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ था और लास्ट आपका जून 2019 में ख़त्म हुआ CPT कोर्स। नया सिलेबस स्टार्ट हो चुका है CA फाउंडेशन CPT के जगह पे, पता है आपको, यानी मई 2020 में आपको अपीयर करना पड़ेगा। अगर आपका लक साथ नहीं देता है, जून 2019 में आप क्लियर नहीं कर पाते हैं CPT, तो आपको कंपल्सरली अपीयर करना पड़ेगा CA फाउंडेशन का एग्जाम, क्योंकि दोबारा अब CPT नहीं होने वाला है। लास्ट जून 2019 ही था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे शुरू से लेके अंत तक का पासिंग परसेंटेज, जैसे कि एवरेज क्या पासिंग परसेंटेज रहा है CPT का, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किस टर्म में हुआ है, सबसे लोएस्ट किस टर्म में हुआ है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस एग्ज़ाम में अपीयर किए हैं, किस टर्म में अपीयर किए हैं, या फिर सबसे कम जो स्टूडेंट है वो किस टर्म में अपीयर किए हैं, सबसे जो ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं वो किस टर्म में CPT का स्टूडेंट जो है वो पास हुआ है, या फिर सबसे कम जो है किस टर्म में पास हुआ है। टोटल 28 टर्म एग्जाम हुआ है नवंबर 2006 से लेके जून 2019 तक, यानी कंप्लीट ईयर अगर हम लोग देखें तो 2007 से लेके 2018, यानी 12 ईयर्स कंप्लीट 12 ईयर्स एग्जैक्टली हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको पता चलेगा कि इस टर्म में जो रिजल्ट आने वाला है जून 2019 का जो रिजल्ट आने वाला है उसका पासिंग परसेंटेज क्या होगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिख रखा है अपने ऑफिशियल वेबसाइट AUBSP.com पे, आप जब विजिट कीजिएगा, चलिए वहीं पे विजिट करते हैं और देखते हैं, वहीं से एनालिसिस करते हैं, आपको भी देखने में ऑन द स्क्रीन जो है वो सुविधा होगा और अपने को एनालिसिस करने में भी सुविधा होगा, ठीक है। तो चलिए, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट AUBSP.com, वहां पे मैंने एनालिसिस करके एक आर्टिकल लिखा है।
ये रहा हमारा ऑफिशियल वेबसाइट aubsp.com। यहाँ पे देखिए मैंने दे रखा है एक हेडिंग जो है, यहाँ पे रखा है मैंने ICICA CPT पास परसेंटेज June 2019 since 2006, यानी जब से ये इंट्रोडक्शन इसका जो हुआ सीपीटी का, वहां से फर्स्ट टर्म से November 2006 से। ये देखिए मैंने इमेज भी बनाया रखा है, ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं इमेज, एनालिसिस ऑफ सी ए सी पी टी पास परसेंटेज ऑफ 12 ईयर्स, जी हाँ 12 ईयर्स सिंस 2007 से लेके 2018 तक, 12 ईयर्स, राइट। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है पासिंग परसेंटेज। देखिए मैंने कैसे एक्सपेक्ट किया है कि अराउंड 35% to 40% रिजल्ट हो सकता है, कैसे दिखाते हैं आपको। देखिए CA फाउंडेशन जो नया कोर्स आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, कब आपका, 1 जुलाई 2017 से, और फर्स्ट CA फाउंडेशन का एग्जाम हुआ था आपका May 2018, यानी उसके पैरेलल CPT का एग्जाम हुआ था आपका June 2018, राइट। यानी June 2018, फिर December 2018, और उसके बाद फिर June 2019। इसका हम लोग एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं कि क्या परसेंटेज होगा, पिछले दो टर्म का एनालिसिस करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर 12 इयर्स का सिंस 2006 ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 32% रिजल्ट होता है सीपीटी का, ठीक है। बट अभी जो है वो सीपीटी क्लोज हो गया, बंद हो गया, अब सीपीटी होने वाला नहीं है, ये लास्ट रिजल्ट आने वाला है आप लोग के लिए। तो हो सकता है पिछले दो टर्म आप एनालिसिस कीजिए, June 2018 को देखिए ध्यान से, 54474 कैंडिडेट अपियर किए थे, 54474 कैंडिडेट अपियर किए थे, जिसमें पास हुए थे आपके 15,284, राइट। यानी 28% रिजल्ट हुआ था, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद रिजल्ट का परसेंटेज जो है दिसंबर 2018 में बढ़ गया इन कंपेयर टू लास्ट जून 2018। बट नोटिस यहां पे एक चीज कीजिए आप कि ओनली 25,000 या लेस देन 50% स्टूडेंट जो है दिसंबर 2018 में सीपीटी दिए हैं। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑब्वियसली घटेंगे, क्योंकि सीए फाउंडेशन में जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसफर होके अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं, सीपीटी को नहीं दे रहे हैं एग्जाम, ठीक है। और उसका दिसंबर में आपका पास हुए थे स्टूडेंट 9038, यानी 36% हुआ था रिजल्ट, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर एक्सपेक्ट किया जाए इस ट्रेंड को देखते हुए, नंबर वन आपका पूरा एवरेज जो पासिंग परसेंटेज है, यानी 32% 32 point something आएगा या 30 point something आएगा यहां से लेके, और ये देखिए ट्रेंड जो है यहाँ पे आप अगर 40% करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। यानी देखिए मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट करते हैं अपने कि 35% to 40% रिजल्ट आ सकता है, यानी गुड रिजल्ट आ सकता है, बैड रिजल्ट नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन तो यही है। लेकिन अपना इंस्टीट्यूट जो है वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं चलता है, जो फैक्ट है वो तो अपना 18 जुलाई को पता चल ही जाएगा कि क्या रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। अपने तो सिर्फ एनालिसिस ही कर सकते हैं, और एनालिसिस करते वक्त चलिए 12 टर्म का जो एनालिसिस करते हैं,
सबसे पहली बात कि हम लोग तो ये देखे कि 32-35% एवरेज पासिंग रेट है। हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज आप देखिए, फर्स्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ था यानी नवंबर 2006, देखिए 66.42% रिजल्ट हुआ था जब फर्स्ट एग्जाम हुआ था सीपीटी का, जिसमें कि 27,645 कैंडिडेट अपीयर किए थे और 18,363 कैंडिडेट पास हो गए थे, यानी 66.42% रिजल्ट हुआ था फर्स्ट टर्म पे। और सबसे लोएस्ट रिजल्ट हुआ था आपका फरवरी महीना में, देखिए 10.30 ही कैंडिडेट पास हुए थे उस टर्म में, फरवरी 2008 टर्म में जो एग्जाम हुआ था, 56,307 कैंडिडेट अपीयर हुए थे और पास हुए थे ओनली 5,799, राइट। सबसे ज्यादा स्टूडेंट अपीयर किए थे आपका 2012 के जून टर्म में, अगर आप देखें सबसे ज्यादा कैंडिडेट यहां पे अपीयर किए हैं, 1,49,348 कैंडिडेट जो है वो अपीयर किए हैं और पास जो हुए हैं सबसे हाईएस्ट वो ऑब्वियस है यहीं पे कैंडिडेट है 56,091, यानी जून 2012 जो था उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर भी किए थे और पास भी किए थे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो है वो आपका सबसे लोएस्ट परसेंट जो है वो फैब 2008 में जो है वो पासिंग परसेंटेज ये 10.30 फैब 2008 का जो परसेंटेज है सबसे लोएस्ट परसेंटेज था। और सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आपको लगता है 37.56, नहीं जी, परसेंटेज सबसे हाईएस्ट जो था वो नवंबर 2006 का ही था, ये देखिए, राइट। उसके बाद आप देखिए, ये तो 37.56 उसमें ऑब्वियस है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है अपीयर किए थे सबसे ज्यादा, और 2006 के बाद जो सबसे हाईएस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 40.52 सबसे हाईएस्ट परसेंटेज मैं देख पा रहा हूं, 46 जी हाँ, ये 46.44% यानी दिसंबर 2016 का जो है सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज वो है दिसंबर 2016 का आपका 46.44%, ठीक है। तो ये है एनालिसिस, और इस एनालिसिस के थ्रू आप देख सकते हैं कि जून 2019 में पासिंग रेट हो सकता है 35% to 40%, ठीक है। आपके मुताबिक क्या परसेंटेज होने वाला है वो आप वीडियो के नीचे कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं कि आप के हिसाब से क्या रिजल्ट होने वाला है एक्सपेक्टेशन, और एग्जैक्ट रिजल्ट तो आपको 18 जुलाई को ही पता चलेगा, ठीक है। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं और सीए से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कॉरपोरेट लॉ और टैक्स लॉ, ये दो लॉ में अगर कोई रिसेंट अमेंडमेंट आता है और वो अमेंडमेंट आपको वीडियो के माध्यम से अगर जानकारी चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। यूं मत दिखाइएगा कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं बट व्यूज जो है कम आएंगे, यानी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस चैनल। सो प्लीज़
ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को तभी सब्सक्राइब कीजिए जबकि नंबर वन आप सीए स्टूडेंट हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नंबर टू आप इंटरेस्टेड हैं, आइदर आप स्टूडेंट या मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हो, प्रोफेशनल या सीए के हो या सीएस के हो या सीएमए के हो, ठीक है, या फिर आप अगर अदर पर्सन हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं जीएसटी के अपडेट के लिए, कॉरपोरेट लॉ से के अपडेट के लिए, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है जैसे कोई अमेंडमेंट, जैसे कोई मैं नया वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।